देश सबसे ज्यादा मायने रखता है हमारे लिए। भारत क्या है आपकी नजर में? नई दुनिया है। तो अगर मैं भारत के बारे में बात करूँ तो ये बहुत अच्छा देश है, शांति प्रिय देश है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबको आजादी के इस महापर्व की बहुत बहुत बधाई। और आप देख रहे हैं मैं भारत हूँ। देश सबसे ज्यादा मायने रखता है हमारे लिए। भारत क्या है आपकी नजर में? नई दुनिया है। तो अगर मैं भारत के बारे में बात करूँ तो ये बहुत अच्छा देश है, शांति प्रिय देश है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। पिछले काफी वक्त से देखने और सुनने में आ रहा था कि युवा देश विरोधी नारों में सम्मिलित होने लगा है, युवा राह से भटक रहा है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को गाने में हिचकिचाहट रखता है। लेकिन वास्तविकता इससे कहीं कोसों दूर है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर हमने लोगों से मुलाकात की, युवाओं से मुलाकात की और जानना चाहा कि अपने देश के लिए वे क्या सोचते हैं और कितना सम्मान देते हैं। कुछ सवालात थे जो हमने पूछे और जवाबों में मायूसी कम, गौरव ज्यादा था। जब हमने लोगों से जानना चाहा कि आपने आखिरी बार कोई देशभक्ति गीत कब गाया था तो जवाब चौंकाने वाले थे। मौजूद हैं हमारे एक दर्शक और हम उन्हें से जानना चाहेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने आखिरी बार सारे जहां से अच्छा कब गाया था? स्कूल टाइम। लास्ट टाइम वन ईयर अगो। स्कूल में। मेरी बिटिया स्कूल में है तो मेरे को तो हर दूसरे दिन बाद उसकी प्रैक्टिस करवाते रहना पड़ता है, तो उसकी वजह से मैं भी साथ साथ में बोलता रहता हूँ। शायद सर कोई 15 अगस्त या 26 जनवरी को ही गाया होगा। मैंने गाया था 2014 में। कौन सा गीत था? सर सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आखिरी बार कॉलेज में गाया था। स्कूल में ही गाया था। गाया तो स्कूल में ही था बट कभी कभी सुन लेते हैं, लेकिन गाए बहुत टाइम हो गया। यू वुडंट बिलीव, अभी मैंने कल ही गाना गाया था। अपने मेरे दोस्त आए हुए थे घर पे तो वंदे मातरम हमने गाना गाया था अपना, और ये सारे जहाँ से अच्छा भी गाना हमने गाया था, कल ही गाया था वो। मैंने अपने स्कूल में गाया था और कॉलेज में गाया था लास्ट टाइम। हम ये नहीं कहते कि देशभक्ति गीत आपकी देशभक्ति का पैमाना है, लेकिन जरा सोचें कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो इजहार के लिए क्या 15 अगस्त और 26 जनवरी का इंतजार करते हैं? आप अपने प्यार को बार बार गुनगुनाते हैं, गीत सुनाते हैं, बताते हैं, तो देश प्रेम सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम लोग स्कूल में होते हैं, अपने से जो बड़े लोग हैं, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, वो हमें जब तक बताते हैं तो हम लोगों के मन में एक जोश होता है, एक पेट्रोटिज्म के बारे में, एक देश के बारे में हम लोग उसको फील कर सकते हैं कि जिस तरह हमें आज़ादी मिली है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं उस टाइम पर अगर आकर देखते हैं तो नेशनल करेक्टर मैं मानती हूँ कि आजकल बहुत वीक हो चुका है। आजकल के जो यूथ हैं वो देशभक्ति को और जो देश में जो भी हो रहा है, जो भी ड्रग्स एडिक्टेड होते जा रहे हैं यूथ, जो भी हो रहा है, उस चीज को नहीं समझ पा रहे कि उसके जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो फ्यूचर में जाके क्या हो सकते हैं। तो आज के टाइम पे जो नेशनल कैरेक्टर है वो काफी वीक है। कई बार ऐसा चेहरा भी सामने आया जब हमें दिखाया गया कि समाज में लोग देशभक्ति गीतों की बेकदरी कर गाने से इनकार करते हैं, लेकिन जब हमने लोगों से मुलाकात की तो उन्होंने बड़े ही गर्व के साथ अपने गीतों से हमें रूबरू कराया। एक रिसर्च के मुताबिक अगर किसी भी खेल प्रतिस्पर्धा में आप अपने देश का राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान पूरे तन मन से गाते हैं तो आप में जोश की कोई कमी नहीं रहती और आपके जीतने के चांस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। जहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, जहाँ की रोली में रंगोली सात रंग,
धानी चूनर पहने मौसम है नीली चादर ताने अंबर है हरी सुनहरी हरा समंदर है ये रसीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। अगर मैं आपसे अभी कहूं कि आप कोई देशभक्ति गीत यहां पे लाउडली गा के सुनाइए जिससे आपको प्राउड फील हो या हमें भी लगे कि हाँ हमें अच्छा लगे सुनकर, आप कर पाएंगे? जी ज़रूर। हाँ, आप सुनाइएगा गीत लाउडली अच्छे से, पर उसके लिए कोई प्राउड मोमेंट भी तो होना चाहिए। किसी भी देश का इतिहास उसकी स्वर्णिम गाथाओं से भरा होता है और वे गाथाएं हमें सुनाई जाती हैं दादा दादी नाना नानी की यादों की किताबों से। और जब संघर्ष की गाथाएं युवाओं को सुनाई जाएंगी तभी तो वे इस आजादी की कद्र कर पाएंगे और इसीलिए स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां और गाथाएं हमें सुनाई जाती हैं। जब हमने लोगों से जानना चाहा कि स्वतंत्रता संग्राम की गाथाएं उन्होंने कहां सुनी तो सबका जवाब था किताबों से और फिल्मों से। दादा दादी नाना नानी की कहानियां कहीं गुम नजर आई। देश की आजादी की कहानियां किताबों के अलावा आपने सुनी कहां पर हैं? देश की आजादी की कहानियां ज्यादातर तो हम लोग किताबों में ही सुनते हैं। कई बार ये जो हम लोग जब कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में हो जाते हैं तो वहां पर कुछ डिबेट्स प्रोग्राम्स चलते हैं या कुछ ऐसा चलता है तो उस दौरान हमें सुनने को मिलता है, बट नॉर्मली हम बहुत ज्यादा नहीं सुन पाते। किताबों से, टीचर्स से। मेरे नाना जी जो थे एक्चुअल में ही वाज इन आर्मी, तो वी आर अवेयर अबाउट ऑल द थिंग्स कैसा है और कितना स्ट्रिक्ट रेगुलेशन रहता है। तो हम लोगों ने उनके साथ बहुत चीज़ें, उन्होंने भी अपना बचपन बिताया है और मैंने भी अपना बचपन नाना जी के साथ बिताया, तो हमें वो कह सकते हैं कि इंटरनली है हमारे साथ में, इन ब्लड के अंदर है कि हम कैसे रिस्पेक्ट देनी है आर्मी पर्सन को या उनकी क्या क्या चीज़ें होती है। तो वी न्यू दैट और वो चीज़ें हमारे बच्चों ने भी सीखी है, जैसे हमने सीखी हमारे नाना जी से तो उन्होंने भी सीखी है। अभी मेरे बच्चे इतने बड़े नहीं है कि मैं उनको कुछ बताऊं कि अभी देश के क्या हुआ, देश में आज़ादी, वो बहुत छोटे हैं। बट आज़ादी मुझे जो सबसे अच्छा जो अपना लगा आंदोलन जहाँ से स्टार्ट हुआ 1857 का लगा, जहाँ पे बिल्कुल भी एक छोटा सा आदमी इतने बड़े एम्पायर के सामने कि कहने की हिम्मत कर पा रहा था कि मुझे आज़ादी करनी, मुझे आज़ादी चाहिए। इसी के साथ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए मैं भारत हूँ के साथ। देश सबसे ज्यादा मायने रखता है हमारे। भारत क्या है आपकी नज़र में? नई दुनिया है। तो अगर मैं भारत के बारे में बात करूँ तो ये बहुत अच्छा देश है, शांति प्रिय देश है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। देश सबसे ज्यादा मायने रखता है हमारे। भारत क्या है आपकी नज़र में? नई दुनिया है। तो अगर मैं भारत के बारे में बात करूँ तो ये बहुत अच्छा देश है, शांति प्रिय देश है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मैं भारत हूं। देश सबसे ज्यादा मायने रखता है हमारे। भारत क्या है आपकी नजर में? नई दुनिया है। तो अगर मैं भारत के बारे में बात करूं तो ये बहुत अच्छा देश है, शांति प्रिय देश है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। वहीं राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के सम्मान पर, तिरंगे के सम्मान पर जब हमने लोगों से सवाल किए तो लोगों ने कहा कि हम बहुत गर्व महसूस करते हैं जब अपने राष्ट्रगान को, अपने राष्ट्रगीत को सुनते हैं। अपने राष्ट्रगान को सुनना गौरव का अनुभव कराता है और अगर कोई इसका सम्मान ना करे तो गुस्सा भी आता है। हम युवाओं की सोच को और उनके जज्बे को सलाम करते हैं। तो जैसे राष्ट्रगान या बजता है या फिर जब हम अपना तिरंगा फहरता हुआ देखते हैं तो बहुत से लोग होते हैं जो गूज़बम्स होते हैं, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी आपको ऐसा महसूस होता है अपने देश के लिए गर्व होता है? जी, लास्ट टाइम मैं अपने सिस्टर को स्कूल छोड़ने गया था, उस टाइम पे उस पे प्रेयर में बज रहा था राष्ट्रगान, तो
रोंगटे खड़े हो गए थे और वहीं पर खड़ा हो गया था मैं। एब्सोल्युटली यार, वो तो है ही है, उसमें कोई दो राय नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। एवरी टाइम वी गो टू द वॉच मूवी वो चीज़ तो फील आती है। एंड अगर कोई नहीं होता तो शायद, अगर कोई खड़ा नहीं होता तो उसको अच्छा हो जाता कि भाई खड़ा हो जा, नहीं तो मार पिटाई हो जाएगी। आप पब्लिक में मूव कर रहे हैं, पूरी भीड़ अच्छे से चल रही है, उसी दौरान एकदम से नेशनल एंथम स्टार्ट हो जाता है, पूरी पब्लिक मूव कर रही है, उस दौरान आप क्या करेंगे? मुझे लगता है कि मैं आई विल स्टॉप देयर एंड आई विल रिस्पेक्ट नेशनल एंथम, ऑफ कोर्स आई विल डू दैट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि पूरी पब्लिक जो है इतना नेशनल करेक्टर है कि वो भी वहाँ पर रुकेगी और नेशनल एंथम के लिए वहाँ पर उनको रिगार्ड करेगी, रिस्पेक्ट करेगी, मुझे ऐसा लगता है। हम सब अपने देश पर नाज करते हैं, हमें अपने देश पर गर्व है, लेकिन क्या हमारा देश हम पर भी गर्व करता है? क्या हम ऐसा कुछ काम करते हैं जिससे देश हम पर गौरव करे? जरूरी नहीं कि काम बड़ा हो, छोटा काम हो पर सच्चा हो। और शायद भारत का हर आम नागरिक राजनीति से परे होकर इस देश का सर हमेशा गौरव से ऊंचा रखता है, अपने सच्चे कामों से, भ्रष्टाचार से दूर होकर सच्चाई से काम करते हैं। ऐसा कोई काम आपने किया हो जिससे भारत को आप पर फख्र हो? गर्ल्स को बॉयज की इक्वल मानना, मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा तो मैंने अभी तक कोई काम करा नहीं, हाँ जिस दिन कर दूंगा उस दिन मेरे को खुद से फिर से फख्र होगा कि हाँ मैंने भारत के लिए कुछ करा है। कोई गलत काम मैं करता नहीं, और मेरे बच्चों को भी ये चीज़ है कि कोई गलत काम कभी करना नहीं है। आई विल नॉट अप्रिशिएट कि अगर आपको कुछ घूस दे के कहीं एडमिशन कराना पड़े या वो कभी मेरे से एक्सपेक्ट नहीं करना। चीज़ें जो आप अपने लेवल पे कर सकते हो वही करनी है। मैं स्टाफ नर्स हूँ, तो मतलब हमारे बहुत पुअर लोग आते हैं, तो उनकी केयर करते हैं, मतलब ये सोचते हैं कि हाँ मीन्स हम भारत में कुछ तो काम अच्छा करते हैं कि गरीबों की सेवा करना। ये सब हिंदी साहित्य है, हिंदी को मैं बढ़ावा देती हूँ, मैं जगह जगह मेरे बुलाया भी जाता है, तो मैं हिंदी के लिए, मैं क्या हमारी नेशनलिटी हिंदी है तो हिंदी का उत्थान किया जाए जो बिल्कुल लुप्त हो चुकी है हमारी भाषा। वहीं आज़ादी क्या है इस बात पर सबकी अपनी अपनी राय थी, पर एक बात पर सब सहमत थे कि आज़ादी की असली कीमत, असली मोल हमें नहीं पता। आज़ादी के असली मायने हमारी नज़र में नहीं आए, क्योंकि आज़ादी के संग्राम की बातों से और परतंत्रता की बेड़ियों की कहानियों से हम कोसों दूर रहे हैं। तो आज़ादी आपके लिए क्या है? आज़ादी फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग, फ्रीडम ऑफ वर्क, फ्रीडम ऑफ स्पीच, और कुछ भी करने की आदमी को आज़ादी, मतलब कि हर चीज़ से, गरीबी से, बेरोजगारी से। आज़ादी मतलब खुद भी जो करने का, मतलब आप सोचते हो उसमें करने की आज़ादी होनी चाहिए, अपना जो आइडिया है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखने की मतलब आज़ादी होनी चाहिए। यहाँ आज़ादी का पर्व मना रहे हैं, लेकिन मतलब सच्ची बात ये है कि हम अभी भी आज़ादी क्या है वो समझ नहीं पा रहे। आज़ादी के मायने मेरे लिए बेसिकली ये हैं कि एक जो बाउंडेशंस हैं लेडीज़ के लिए, और बाहर नहीं निकल सकते और काम नहीं कर सकते, तो उनको एक तो उनकी इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में, उनको कुछ करके दिखाना चाहिए। उन्हें आज़ादी के लिए मायने आपके लिए क्या है? देश सबसे ज़्यादा मायने रखता है हमारे लिए, देश के हित में करेंगे काम। हमारे जो आए, हमारे बुजुर्ग पाकिस्तान से आए, तो वो मारे गए, काटे गए, उन्होंने देश के लिए आज़ादी लड़ी, तो बहुत मुश्किल से आज़ादी मिली, आसानी से नहीं मिली है हमें। भारत एक बहुत ही खुशहाल और सच्चा राष्ट्र है, लेकिन कुछ लोग इसे बदनाम करने के लिए साजिशन गलत और गुमराह करने वाली बातें फैलाते हैं। लेकिन मुझे गर्व है कि मेरे भारत के लोग उनकी बातों में आने की बजाय अपने देश पर नाज करते हैं। आपकी नज़र में भारत क्या है? आप क्या सोचते हैं भारत क्या है? भारत एक हमारा देश है, उसके लिए हमारे लिए एक अपनी प्रेरणा जागती है। भारत क्या है आपकी नज़र में? नई दुनिया है। सर भारत एक अच्छा देश है, जिसमें हम रहते हैं वो तो अच्छा ही लगेगा। सर हम देखते हैं कि हम यहाँ पे सोचते हैं कि यहाँ पे ना चीज़ें ख़राब हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दबाया जाता है लोगों को, लेकिन अगर आप देखें, आप गल्फ कंट्रीज़ में जाएंगे या मिडिल ईस्ट साइड पे जाएंगे, वहाँ पे भी बहुत इश्यूज़ हैं, तो हम उन चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। बस दो कंट्रीज़ के हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप देखेंगे तो बाहर भी बहुत क्राइम है, बाहर भी बहुत चीज़ें, लेकिन हम सोचते हैं कि यहीं पर सारा करप्शन और सारे क्राइम हो रहे हैं, तो वो गलत है ऐसी सोच। लेकिन हाँ, हालाँकि मैं अपने भारत को, अपने अगर मैं भारत के बारे में बात करूँ, तो ये बहुत अच्छा देश है, शांतिप्रिय देश है, और ये चीज़ें लोग नहीं देखते हैं। मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ, ये देश भारत मुझसे है और मैं भारत से हूँ, ये मेरी पहचान है और मैं इसकी पहचान हूँ।
मुझे नाज है कि मैं भारत हूँ। जयति हिंद, जयति भारत। देश सबसे ज्यादा मायने रखता है हमारे लिए। भारत क्या है आपकी नजर में? नई दुनिया है। अगर मैं भारत के बारे में बात करूँ तो ये बहुत अच्छा देश है, शांति प्रिय देश है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला।